हेलो एचजीटीबी स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट, यूनिट फॉर मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोनूमेंट्स? मोनूमेंट्स क्या हैं? मोनूमेंट्स होते हैं ऐतिहासिक स्मारक, लाइक ताजमहल, गोल्डन टेम्पल। ये क्या है? हमारे ऐतिहासिक स्मारकें हैं, मोनूमेंट्स हैं इंडिया के। नाउ वी विल रीड एसर वन एंड ब्लेंड्स स्ट ब्लेंड टॉस्ट नेस्ट फीस्ट फास्ट। नाउ स्क ब्लेंड डेस्क टस्क डिस्क मास्क। स्प ब्लेंड वेस्प क्लेस्प क्रिस्प गैस्प। रेस्ट यू हैव टू रीड योर सेल्फ। नाउ वी विल रीड एसर टू राज्स विजिट टू द गोल्डन टेम्पल। ऑथर कमल रामचंदा ने, इलस्ट्रेटर किरकडी पैना। राज कुड नॉट कीप हिज ग्रीनिश ब्लू आईज ओपन। राज था क्या है उसकी ग्रीनिश, ग्रीन मीन्स हरी, और नीली आंखों को ओपन नहीं रख पा रहा था। हिज लॉन्ग नोज हैड बिकम कोल्ड। जो उसकी लंबी नाक थी वो क्या हो गई थी? ठंडी हो गई थी। हिज ब्राउन हेयर अनकॉम। जो उसके ब्राउन हेयर है, भूरे बाल है, वो क्या अनकॉम मतलब कॉम नहीं किया हुआ। नाउ ही वॉन्टेड अ वार्म ब्लैंकेट सो ही कुड गो बैक टू स्लीप। उसने वह क्या चाहता था? वार्म ब्लैंकेट मीन्स गर्म ब्लैंकेट चाहता था, ताकि वह जाकर वापस सो जाए। ही वॉज ग्रम्पी। वह क्या था? बुरे मूड में था, बैड मूड में था, या फिर वह क्रोधित था। ही हैड बीन मेड टू वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग। वह उसने क्यों बनाया था? ताकि वह सुबह 5 बजे उठ सके। राज एंड हिज फैमिली वर ऑल गोइंग टू अमृतसर। राज और उसकी फैमिली कहाँ जा रही थी? अमृतसर जा रही थी। दे वर गोइंग टू विजिट द गोल्डन टेम्पल। वह कहाँ जा रहे थे? गोल्डन टेम्पल जा रहे थे। दे रीच द गोल्डन टेम्पल। वह क्या है? गोल्डन टेम्पल पहुंचे। द ग्लीमिंग वॉकवे मेड राज जम्प विद ग्ली। जो ग्लीमिंग वॉकवे था, जो पाथ था, ग्लीमिंग मीन्स चमचमाता वॉकवे पाथ था, उस पर क्या है राज ने जंप किया, मतलब छलांग लगाई प्रसन्नता पूर्वक। ग्ली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। द वॉकवे अराउंड द सरोवर इज कॉल्ड द परिक्रमा। जो वॉकवे है सरोवर के आसपास का जो पाथ है, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। द वॉटर इन द सरोवर लुक्ड कूल। जो वॉटर था सरोवर में, वह कैसा दिख रहा था? कूल शांत। राज वॉज नाउ फुल्ली अवेक एंड एक्साइटेड। अब राज क्या है? फुल्ली अवेक भी है और एक्साइटेड भी है, जागृत भी है और उत्साहित भी था। द मेन टेम्पल इज इन द सेंटर ऑफ द सरोवर। जो मेन टेम्पल है वो कहाँ पे है? सरोवर के सेंटर में, बीच में है। इट्स गोल्डन डॉम ग्लीम्ड इन द सनलाइट। गोल्डन डॉम मीन्स सुनहरा जो गुबंद है, वो है क्या? चमचमा रहा है। किसमें? सूर्य के प्रकाश में। इन द टेम्पल दे ऑल हैड लंगर टूगेदर। टेम्पल में क्या सबने साथ में क्या किया? लंगर किया। लंगर इज अ सिंपल मील सर्व टू एवरी वन हु विजिट। अब लंगर क्या है? एक साधारण भोजन है जो सबको सर्व किया जाता है, एवरी वन, सबको जो यहाँ विजिट करते हैं। राज इंजॉयड हिज ट्रिप। राज ने अपना जो ये ट्रिप था बहुत इंजॉय किया। नाउ वोकैबुलरी वर्ड्स। ग्रम्पी या बैड मूड। बैड मूड ग्रम्पी मीन्स क्रोधी या बैड मूड। ग्लीम मीन्स शाइन या चमचमाना। डॉम आर्क राउंड रूफ मीन्स गुबंद। वॉकवे अ पाथ फॉर वॉकिंग अलोन। पाथ क्या? वॉकवे क्या होता है? एक पाथ होता है। नाउ स्टूडेंट एसर 6 सिंगुलर एंड प्लूलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ वन पर्सन प्लेस और थिंग। जो किसी एक पर्सन के बारे में बताए या प्लेस या थिंग के बारे में बताए। प्लूलर नाउन क्या होते हैं? नेम्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, मतलब एक पर्सन से ज्यादा के बारे में बताए, प्लेस या थिंग कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा। वो है प्लूरल। जो एक से कम है, एक ही पर्सन के बारे में या प्लेस या थिंग की बात हो रही है, तो वो है हमारा सिंगुलर नाउन। रूल्स है एड एन एस एट द एंड ऑफ द साउंड। ये हमारे इधर सिंगुलर है, इधर है हमारे प्लूरल। तो फर्स्ट है एस लगाना है हमें। ये कैट है, वन कैट है। अब एक से ज्यादा होगी, मोर देन वन होगी, तो कैट्स होगा, उसके पीछे क्या लगेगा? एस लगेगा। बर्ड ये वन है, मोर देन वन करेंगे, प्लूरल करेंगे, तो उसके पीछे क्या लगेगा? एस, बर्ड्स। नाउ सेकेंड रूल इज इफ द वर्ड एंड्स विद एस एस एच सी एच और एक्स एड ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। अगर जो हमारा वर्ड है एंड में एक्स आए या एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स, तो उनके पीछे क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अब ये बॉक्स है, इसके पीछे एक्स, ये हमारा एक्स रहा, तो इसके पीछे क्या लगेगा? ई एस। नाउ डिश एस एच, एस एच ई एस लगेगा। अब एंड में लेंस एस है, एस आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, लेंस, ई एस लगेगा। वॉच
सी एच है एंड में, सी एच है तो क्या लगेगा, ई एस, वॉचिस। थर्ड रूल है इफ द वर्ड वर्ड एंड्स विद द कंसोनेंट वाई, रिमूव वाई एंड एड आई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। अगर हमारा वर्ड्स एंड में कंसोनेंट साउंड आए या वाई आए तो हम उसको उठा के क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। जैसे बटरफ्लाई, ये वाई है तो वाई कट करके इसकी जगह क्या लगाएंगे, आई ई एस। नाउ स्टूडेंट वर्कशीट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड राज लुक इन द स्टोरी। राज कैसा दिख रहा है स्टोरी में, उसके क्या थे, ग्रीनिश ब्लू आई सी, लॉन्ग लंबी नाक थी, ब्राउन हेयर थे। वेयर वॉज ही गोइंग विद हिज फैमिली, कहाँ जा रहा था, गोल्डन टेम्पल विद हिज फैमिली। डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इसमें आपको स्टोरी के बारे में बताना है। देर वॉज अ ग्लिमिंग वॉकवे अराउंड द सरोवर, क्या था, एक चमचमाता पाथ था किसके अराउंड, सरोवर के, विच वॉज फील्ड विद वॉटर, जो कि पानी से भरा हुआ था। देर वॉज अ गोल्डन टेम्पल विद अ गोल्डन डॉम इन द सेंटर ऑफ द सरोवर, वहां पे क्या था, गोल्डन टेम्पल था, उसका क्या है, गोल्डन गुबंद था सेंटर सरोवर के सेंटर में। वाई वॉज राज ग्रम्पी, ग्रम्पी क्यों था, क्रोधित क्यों था, ही वॉज राज वॉज ग्रम्पी बिकॉज ही हैड टू वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग, है क्यों था क्रोधी, क्योंकि उसे क्या है 5 बजे उठना था। स्टूडेंट वर्कशीट टू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, थिंक एंड ड्रॉ अ मोनूमेंट दैट यू हैव विजिटेड। आप किसी मोनूमेंट में वो घूमने के लिए गए हो तो उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, लाइक ताजमहल या गोल्डन टेम्पल, जहां पे भी गए हो उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ उसका नेम लिखना है, कलर ऑफ द मोनूमेंट उसका कलर लिखना है, मोनूमेंट कैसा दिखता है वो, उसके फीचर्स लिखने हैं, जैसे कि उसका साइज हो गया वैसे कैसे दिखता है, वेयर इज इट, कहाँ पे है वो, उसके बारे में लिखना है। जैसे ताजमहल का है आगरा में तो वहां लिख दिया। व्हाट डिड आई लाइक, इसकी दो बातें लिखनी है उसमें, जहां अगर ताजमहल गए या गोल्डन टेम्पल गए तो उसकी दो बातें यहाँ पे राइट करनी है आपको। नाउ स्टूडेंट वर्कशीट थ्री, सिंगुलर एंड प्लूरल, सर्कल द प्लूरल वर्ड्स एंड अंडरलाइन द सिंगुलर वर्ड। प्लूरल नाउन वर्ड्स हमें पता है मोर देन वन होते हैं और सिंगुलर वन होते हैं, तो जहां पे प्लूरल है वहां पे तो हमें सर्कल कर देंगे और जहां सिंगुलर है वहां पे हम अंडरलाइन कर देंगे। ये भी अंडरलाइंड वर्ड है, उसको सिंगुलर या प्लूरल बताना है यहाँ पे हमें। एंड ये है थर्ड है, अभी हमने ब्लेंडिंग की है, वही ब्लेंडिंग करनी है। थैंक यू।